हाय गाइस, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी चैनल पर बूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया है। और दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद जो देशभक्ति जाग उठी है और दोस्तों जो गूस बम्प आ गए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों ट्रेलर को बनाया। और दोस्तों, ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेलर को ओटीटी प्लेटफॉर्म, यानी कि इस पिक्चर को ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह पर अगर थिएटर पर रिलीज करते तो दोस्तों मैं आराम से कह देता कि ये फिल्म तानाजी का रिकॉर्ड तोड़ के अजय देवगन सर की करियर की पहली 300 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्म बन जाती। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके यूट्यूब पर हॉटस्टार प्लस वीआईपी चैनल है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार वीआईपी, वहाँ पर जाके इसके ट्रेलर को देख लो। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया है दोस्तों, वीएफएक्स जबरदस्त है। और दोस्तों, जो वंदे मातरम बोलते हैं और दोस्तों जो देशभक्ति जाग उठती है, बेहतरीन तरीके से इस फिल्म को बनाया दोस्तों। और ये फिल्म अगर थिएटर पर आती तो दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देती। और दोस्तों, जो संजय दत्त का लुक देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनका जो पीके में जो लुक था, सेम टू सेम वैसा लुक है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर उनका पीके का जो ड्रेसिंग सेंस था, वही हमें ड्रेसिंग सेंस हमें देखने को मिला है बूज द प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म के अंदर। और दोस्तों, जो 1971 में गुजरात के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था, उस पर ये फिल्म बनाई है। ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है और इस फिल्म के अंदर विजय कर्णिक का रोल करने वाला है। और दोस्तों, उनका जो लास्ट का जो डायलॉग है कि मैं एक सैनिक हूँ, वो डायलॉग देखने के बाद वो स्लो मोशन वाला जो व्यू है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। वही दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा का जो रोल है, जेठा का है कुछ, सुंदरबेन जेठा का रोल है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। हर एक का जो किरदार है, नौरा फतेही का भी ज़बरदस्त, उनका रोल ज़्यादा तक पता नहीं चला लेकिन दोस्तों वो भी, उनको भी किस तरह से टॉर्चर करते हैं वो दिखाया गया है। और बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है कि नौरा फतेही की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बूज द प्राइड ऑफ इंडिया है। और दोस्तों, जिस तरह से इस फिल्म को डायरेक्शन दिया है और दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक डायलॉग डिलीवरी बहुत ही बेहतरीन बनाई है दोस्तों। ये फिल्म अगर थिएटर पर आती तो दोस्तों मैं आराम से कहता कि ये 300 करोड़ आराम से कमाती। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्यों रिलीज़ करने वाला है मुझे पता नहीं चलता। दोस्तों, आपने अभी तक ट्रेलर देखा कि नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और ट्रेलर देखने के बाद आपकी देशभक्ति जाग उठी या नहीं, ये भी जरूर बताना। और दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा देगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमाई करेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये नहीं कमाएगी, लेकिन दोस्तों थिएटर पर आती ये फिल्म का जो वीएफएक्स है, हर एक के घर पर बड़ी स्क्रीन नहीं होती, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म मोबाइल में भी देख लेता है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म थिएटर पर देखने के लिए बनी है दोस्तों। जो प्लेन का बॉम्बबारी होती है, वीएफएक्स जो दिखाए गए हैं, और दोस्तों देशभक्ति वाली फिल्म अगर थिएटर में साथ में बैठ के देखने का माहौल हो तो उसका मजा ही कुछ और हो जाता, बॉक्स ऑफिस को फाड़ के निकलती। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर देखने के बाद मेरा फर्स्ट ओपिनियन ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाएगी। और बड़े बड़े क्रिटिक्स भी कहेंगे कि ये फिल्म से जो अजय देवगन की फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही तेज़ी से हाई हो जाएगी दोस्तों। और वैसे भी उनके पास कई सारी फिल्में हैं, रेड 2 है, दृश्यम 2 है, गंगूबाई काठियावाड़ी है, मैदान है, और दोस्तों वो कंटेंट वाली फिल्म करने वाला है। और दोस्तों, इस फिल्म के बाद तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग और दोस्तों उनका 10 का बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने अभी तक ये ट्रेलर देखा कि नहीं? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म थिएटर पर आनी चाहिए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, ये भी बताना। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना,